हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है जिसका नाम है जूम एप्लीकेशन। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आप टीचिंग करना चाहते हो, अगर किसी टीचर से आप स्टडी करना चाहते हो ऑनलाइन, तो वो जूम एप्लीकेशन के माध्यम से एक बार में 500 बच्चों को वो पढ़ा सकता है। सबसे पहले उसमें मिनिमम जो 100 दिया होता है 100 बच्चों का, उसके बाद वो परचेज कर सकते हैं। उसमें एक अपग्रेड होता है ऑप्शन, पैसे देकर उसमें ऑप्शन को चालू कर सकते हैं और उसमें 500 से भी ज़्यादा एक साथ को लाइव जोड़ सकते हैं जूम एप्लीकेशन की मदद से। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे और भी हैं, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनमें मीटिंग्स अटेंड की जाती है, तो वो भी जूम एप्लीकेशन के माध्यम से की जाती हैं। ज़्यादा ना समय ले तो हम सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू वीडियो करने के बाद से पहले हमें प्ले स्टोर में जाना और जूम एप्लीकेशन सर्च करना होगा, जैसे कि हमने किया। वो देखिए जूम क्लाउड मीटिंग्स नाम है और इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में ज़्यादा इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे आप बैक कर लें। सबसे पहले इस तरीके से इसका जो फ्रंट है पेज वो ऐसा है, मीटिंग है ज्वाइन, इस पर अगर ओके करते हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आप जो जहाँ पे टीचर है या कोई आपका मैनेजर है या कोई सीनियर व्यक्ति है जो आपसे बात करना चाहता है, उसकी मीटिंग आईडी आपको डालनी होगी अपने फ़ोन में, जूम एप्लीकेशन के अंदर अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। सबसे पहले जैसे कि मैं बता रहा हूँ, प्ले स्टोर में जाकर उसको डाउनलोड कर लें, और उसके बाद यहाँ पर अपना उसकी मोबाइल नंबर, उसकी एक पासवर्ड दिया होगा नीचे, उसको आप डाल सकते हैं, तो आप उससे जुड़ जाएंगे और लाइव उनसे बातें कर सकते हैं और एक साथ बहुत सारे व्यक्ति बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं इसकी आईडी को। तो नीचे एक सिंगअप का ऑप्शन है, एक सिंग इन का, तो हम सिंग इन पर ओके करते हैं। इसमें कंपलसरी तीन ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे तीन, जैसे सो आईडी है, गूगल है, फेसबुक है, तो आप कोई सी भी एक ऑप्शन चूज कर लें, उसके माध्यम से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो हम फेसबुक से भी कर सकते हैं और गूगल से भी कर सकते हैं, तो हम गूगल को चूज कर लेते हैं। तो गूगल को चूज करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक जो आपके मोबाइल में लॉगिन आईडी लगी होगी, लॉगिन होगी, वो अपने आप यहाँ आपके सामने आ जाएगी। उनमें से सभी, जैसे बहुत सारी आईडी होंगी, उनमें से एक चूज कर लें, मैंने सिलेक्ट कर ली है अपनी एक, और उसको आगे यहाँ पे लिंक एंड सिंग इन, यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप लिंक को सेंड कर दें। कनेक्टिंग हो रहा है, कुछ ही टाइम लगेगा, और देखिए यहाँ पे हो चुका है और एक अंदर मैसेज आ चुका है आपके मेल में, तो आप वहाँ से जाके आप इसको एक बार ओपन कर लें, और उसमें एक मैसेज आया हुआ जो लिंक सेंड किया है मैंने हमने अभी, तो यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश कर लें। तो यहाँ पे देखिए ऊपर ऊपर आ चुका है, यहाँ पे इस तरीके से बहुत आपको ऑप्शन मिल जाएंगे देखने को। तो सबसे पहले एक न्यू मीटिंग, इस पर ओके करते हैं, तो हम देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे एक वीडियो ऑन है और इसमें पर्सनल मीटिंग है आईडी है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपकी पर्सनल मीटिंग है, इसको आप ऑन कर सकते हैं और मीटिंग है, इस पर ओके करेंगे तो आप कनेक्टिंग हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से, और जो भी आपकी आईडी को और पासवर्ड को डालेगा और कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हो चुके हैं, यहाँ पे एंड कर सकते हो, म्यूट है, स्टॉप है, वीडियो, बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे आपको। यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, सो हमने कैंसिल कर दिया, इसको छोड़ देते हैं मीटिंग को, पीछे चले जाते हैं। और साथ साथ में ज्वाइन, इसमें आप जोड़ सकते हैं शेड्यूल, बहुत सारे शेयर टू स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पे जितने भी जो कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बहुत सारे मेंबर्स को आप, यहाँ पे देखिए ईमेल के जरिए आप उसको ऐड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट के जरिए। उसके बाद एक नीचे आता मीट है चैट, इसमें चैट कर सकते हो, मीटिंग में टाइम लगा हुआ है, कितने टाइम से कितने टाइम का स्टार्ट और एंड होने वाला, वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद एक फ़ोन कॉन्टैक्ट मैचिंग है, इसमें दिया हुआ इंफॉर्मेशन, उसको आप कर सकते हो इनेबल। और यहाँ पे आप बेसिक अपनी डिटेल दे सकते हो, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, मीटिंग में जाके आप मीटिंग चेक कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑटो कनेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए वाईफाई से जुड़ जाएगा, और बहुत सारे इसमें हैं ऐसे कि इसमें माइक्रोफोन से म्यूट करना है, नहीं करना, और कितने टाइम में
क्या है, वीडियो आपको देखनी है नहीं देखनी, सभी आप अपने हिसाब से इसमें साउंड सिलेक्ट कर सकते हैं और स्क्रीन का जो साइज है वो सेट कर सकते हैं कि कितनी स्क्रीन होनी चाहिए ओरिजिनल, और रिएक्शन स्किप टून हर चीज़ आप इसमें एक्टिविटीज कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट है, चैट है, आप चैट चेक कर सकते हैं इसमें, जो चैट चलेगी सॉरी जो चैट आप करोगे इसमें, जो चैट कर पाओगे उनके जो आने वाले हैं उसका मैसेज की साउंड बजे या नहीं बजे, कीबोर्ड टून कौन सी है, वो सब चीज़ इसमें आप जनरल सेटिंग को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अबाउट चेक कर सकते हैं उसका प्राइवेसी, इसकी बहुत सारी अच्छी प्राइवेसी, आप उसको प्राइवेसी भी लगा सकते हैं कि सिक्योर हो जाए और भी बहुत ज़्यादा। इसमें आपकी कोई भी ऐसी कोई गोपनीय चीज़ें जो कोई देख ना पाए, तो ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं तो इनको आप कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा पीछे चलते हैं, और हमने अकाउंट बनाना तो इसमें सिखा ही दिया है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और ऊपर, ये देखिए पेयर विथ रूम की, इसमें एक रूम बना सकते हो जिसमें नॉर्मल आप ही और आपके जो मिलने वाले वो उसमें जुड़ जाएंगे। एक पेंसिल का बटन, इस पर आप ओके करें। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। शेड्यूल का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे मीटिंग जो होती है उसकी आईडी होती है, उसका टाइम आप सेट कर सकते हो कितने से कितना होता है, और रिपीट करना चाहते हो बार बार उसको कर सकते हो, और आपका जो पासकोड है आप वो देख लीजिए आपका पासकोड क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ आपको मीटिंग रूम में मीटिंग शेड्यूल मीटिंग में मिल जाएंगी सॉरी। तो यहाँ पे हर चीज़ को आप पार्टिसिपेट वीडियो ऑन कर सकते हो, हॉट्स वीडियो कर सकते हो, बहुत सारी इसमें चीज़ें दी हुई जो आप अपने हिसाब से चालू कर सकते हो, आपके हिसाब से आप, क्योंकि आप खुद एक अगर वीडियो क्रिएटर आप समझ रहे हो कि इसमें किस तरीके से एक्टिविटीज़ को आप अपने अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। बाकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, क्योंकि मैं एक खुद ऑनलाइन एक मीटिंग अटेंड करता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें ये फ़ायदेमंद है। तो आज की एक छोटी सी वीडियो थी, कोशिश थी कि आपको कुछ नया सीखने को मिले। आज के लिए बस इतना, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी वीडियो लगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। आज के लिए बस इतना, जय हिंद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।